शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तान दूसरा अध्याय 9वीं और 10वीं कहानी। अगर दरवेश वर हाले बमांडी सरे दस्त अज दो आलम बर फिशांदी, अर्थात यदि फकीर सदा एक सी हालत में रहता तो दोनों ही जहां उसके सामने दर्द का एक धार्मिक मनुष्य जिसकी ईश्वर भक्ति की अलौकिक कार्यवली अरब भर में प्रसिद्ध थी, दमिश्क की बड़ी मस्जिद में प्रविष्ट होकर कुएं के होज के किनारे हाथ पैर धो रहा था कि इतने में उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर पड़ा और फिर बड़ी कठिनता से उससे बाहर निकला। जब लोग पूजा पाठ से निवृत्त हुए तब उसके एक साथी ने कहा कि मेरे मन में एक शंका है, वो आपको दूर करनी होगी। शेख ने कहा, मुझे याद है कि आप अफ्रीका के समुद्र में पानी पर चलते थे परंतु आपका पैर बिल्कुल नहीं भीगता था, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि आप केवल एक पूर से भर पानी में गिरकर मरने की हालत को पहुंच गए थे, इसका क्या कारण है? वह बहुत देर तक ध्यान में मग्न रहा और फिर ऊपर देखकर बोला, क्या तुमने सुना है कि संसार के सैयद मोहम्मद मुस्तफा ने ईश्वर उसको शांति और सुख दे कहा था कि ईश्वर ने एक समय मुझे ऐसी शक्ति दी थी कि जो किसी देवदूत और ईश्वर के भेजे हुए पृथ्वी के पैगंबर को भी मयसर नहीं हुई थी, परंतु उसने यह कहने का दावा नहीं किया कि ऐसी घटना हमेशा होती है और यह भी नहीं कहा कि जिब्राइल और मैकाइल में वैसी शक्ति नहीं थी, एक समय हफ्सा और जैनब को भी वैसी ही शक्ति दी गई थी। महात्माओं की दृष्टि में प्रकाश और अंधकार दोनों है, वे जिसको चाहे उसे प्रकट कर दें और जिसे चाहे उसे गुप्त रखें। तू अपना मुंह दिखाता और फिर उसे छिपा लेता है, अपने गुणों को बढ़ाता हुआ तो हमारी वासना प्रत्यक्ष देखकर मैं रास्ता भूल जाता हूँ। कभी अग्निशिखा उद्दीप्त होती है और कभी जलन सिंचन द्वारा निवृत्त हो जाती है, उसी कारण कभी तो तू मुझे प्रचंड अग्निशिखा में देखता है और कभी जल तरंगों में लड़का खो गया था। यहाँ याकूब से मतलब है। किसी ने उससे कहा, अरे भद्रवंशज बुद्धिमान बूढ़े, जब तूने सुधीर मिश्र में उसके जामे की गंध पाई तब फिर कनान के कुएं में क्यों न देख सका? उसने उत्तर दिया, हम लोगों की हालत चमकती हुई बिजली की तरह है जो कभी झलकती है और कभी लुप्त हो जाती है। कभी तो हम चौथे स्वर्ग में बैठे रहते हैं और कभी अपने पैर की पीठ भी नहीं देख सकते, अर्थात पाताल को चले जाते हैं। यदि फकीर सर्वदा एक ही अवस्था में रहने पाता तो वो दोनों जहान की आकांक्षा से निवृत्त हो जाता। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी?